हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मेमोरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलरली सुबह 9 बजे आपके सामने लेके आते हैं एक कंसेप्ट 1 मिनट का। आपको मैं 2 सवाल कराऊंगी, 2 सवाल में मैं आपको 2 न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगी, 2 न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगी। ये आपका रिविजन भी है, प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है। अगर आप रेगुलरली 2 से 3 मिनट देते हैं, डेली 2-3 मिनट देते हैं, तो आपका 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अगर कशिश का स्थान दाएं से 21st है, कशिश है और एक है आपकी दीपक, कशिश का स्थान क्या है? राइट से 21st है, दीपक का स्थान बाएं से 23वां है। ठीक है, इसका राइट से 21 है, इसका लेफ्ट से 23 है, और टोटल बच्चे कितने हैं क्लास के अंदर? 40 बच्चे कुल हैं। अब हमें निकालना है बीच में कितने होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप का सवाल है, क्रॉस में कनेक्शन हो, एक यहाँ से क्रॉस में कनेक्शन हो, तो आपको फॉर्मूला क्या है याद रखना है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बिटवीन माइनस का 2। ठीक है, ये क्लास में भी मैंने समझाया था आपको, जब रैंकिंग पढ़ाई थी तब मैंने फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब भी ऐसे क्रॉस में कनेक्शन हो, चाहे टोटल निकालना चाहे बिटवीन निकालना, हमेशा यही चीज़ अप्लाई करेंगे। हमेशा टोटल कितना है? 40 बजे कुल है, लेफ्ट कितना है? 21 प्लस 23 माइनस का बिटवीन निकालना है, माइनस का 2 है, 40 इज इक्वल्स टू 2 और 3 4 44 माइनस का 2 माइनस का बिटवीन कितना हो गया? बिटवीन हो गया आपका 2, कितना हो जाएगा? 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बीच में कितने लोग बैठेंगे आपके? 2 लोग बीच में बैठेंगे। क्लियर हो गया सवाल, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कब अप्लाई होगा ये भी याद रखिए, जब इस टाइप का क्रॉस कनेक्शन हो। अगर आपका रिलेशन कुछ ऐसा हो, जैसे कि ये है, एक यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस का बिटवीन। ये जब इसका फॉर्मूला लगता है, जब इस टाइप की कंडीशन दे रखी हो, जब इस टाइप की कंडीशन हो, तो हमेशा आपका फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर हो गया, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला सवाल देखते हैं, बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइप का क्वेश्चन, देखते हैं। पाइप का सवाल है क्या है? एक पाइप है किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, कोई एक पाइप 40 मिनट टंकी को खाली करता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले वाले पाइप से 2 गुना है, टंकी को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, दोनों पाइप एक साथ टंकी को कितने समय में खाली करेंगे? देखो पाई डी स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? पाई डी, पहले वाले का पाइप क्या है? सेकंड पाइप का डायमीटर 2x है, पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले क्या है? पाई 2 टाइम है डायमीटर इसका, पाई डी स्क्वायर बाई 2, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर हो गया। रेशियो में ये सब कुछ कट गया, 1/4:1 हो गया, तो 1:4 हो गया। ये आपका फर्स्ट पाइप है, ये आपका सेकंड पाइप है, सेकंड पाइप का डायमीटर क्या है? डबल है, ये दे रखा है, सेकंड पाइप का डायमीटर क्या है आपका? डबल डायमीटर, ये A1 है, ये A2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 1:4 हो गया। ये क्या हो गया इसकी क्षमता? क्षमता कैसे हुई ध्यान दीजिए, क्षमता कैसे हुई? पहले जो पतला वाला पाइप है वो 1 मिनट या एक कितना है सेकंड मिनट की बात हो रही ना, 1 मिनट मान लीजिए 1 बूंद पानी निकालता है, तो दूसरा वाला पाइप 1 मिनट के अंदर 4 बूंद पानी निकालेगा, इसलिए इसका डायमीटर बड़ा हो गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं हमने? इफिशियंसी हो गया। तो ये बात याद रखेगा, डायमीटर किस लिए प्रोपोर्शनल हो गया आपका? इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल हो गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया, अब बात क्या करी गई है हमसे, बात देखिएगा, दोनों पाइप एक साथ टंकी को खाली करना, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, जो पहला वाला पाइप है वो टंकी को कितने मिनट में खाली करता है? 40 मिनट में खाली करता है। तो ये तो इफिशियंसी का रेशियो है, किसका? इफिशियंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा, 4:1, पहले वाला 40 मिनट टंकी को खाली करता है, मतलब गुणा 10 का, तो ये भी इंटू का 10 कर देंगे, ये टंकी को 10 मिनट में खाली करेगा, कितने मिनट में? 10 मिनट्स में। ठीक है, अब पूछा क्या है, अगर अकेला चला दिया जाए तो 10 मिनट में टंकी को खाली कर देता है, लेकिन हमें दोनों मिलके तो क्या निकालना पड़ेगा? इनका एलसीएम कितना हो गया? 40 लीटर टंकी है, 40 लीटर को दोनों मिलके 5, 1+4 5 को खाली करेंगे, तो 8 मिनट्स लेंगे,
कितने मिनट लेंगे, 8 मिनट लेंगे, 8 मिनट में आइए टंकियों को पूरी की पूरी खाली कर देंगे। ये चीज़ मैंने क्यों की, ये निकालने के लिए कि टंकी कुल कितने लीटर्स की थी, टंकी कितने लीटर्स की थी, 40 लीटर की टंकी थी। ये अपने अप्रोक्स माना, कैसे माना, इसकी और इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ मान ली। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? तो जब भी यह सवाल आए, जब भी पाइप का सवाल हो या आपका टाइम एंड वर्क का सवाल हो, मेन खेल किसका होता है, टोटल वर्क निकालना। जैसे ही टोटल वर्क निकाल लोगे और इफिशेंसी निकाल लोगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है। क्षमता निकालना और वर्क निकालना, यही दो मेन खेल होते हैं इसके अंदर। अगर आपको समझ में आया, दो नए कंसेप्ट मैंने आज आपको सिखाए हैं, तो आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो यही है कि डायमीटर और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ये बात याद रखिएगा। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय।